तो भाई लोगों, फ्लिपकार्ट पर अभी के टाइम पर जो देख रहे हो, 13 तारीख से 19 तारीख के बीच में मेगा जून बोनांजा सेल देखने को मिल रही है। और इस बीच काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि हम स्मार्टफोन लें, लैपटॉप लें, इस तरह के जो भी गैजेट्स वगैरह हैं इन सबको लेने की सोच रहे हैं, और यहाँ पे इस पर डिस्काउंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताने वाले हैं, और आप लोग ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, आपको इस सेल में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारे कुछ क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस फ्लिपकार्ट की सेल को ओपन करते होंगे तो यहाँ पे आपके स्मार्टफोन पर जो डिस्काउंट है ये ना के बराबर है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट है, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो भी स्मार्टफोन आप लेने की सोच रहे होंगे उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ मुझे पहले कमेंट्स भी आए थे कि हमें ये स्मार्टफोन चाहिए, इन सब पर आपको बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देखने को मिला है। अब बताइए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन इस सेल में आपको कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे फ्लिपकार्ट को ओपन करते होगे तो होम पेज पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे AC देखने को मिला है, और कपड़े यहाँ पे टी शर्ट देखने को मिले हैं, शर्ट देखने को मिले हैं, और स्मार्ट वॉच, फ्रिज, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको इन सब पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है। बाकी यहीं पे आपको बता दूं, जैसे आप ये AC लेने की सोच रहे हो तो मैं AC पे क्लिक कर देता हूं। AC पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो तो 29,990 रुपये की प्राइस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जब आप इसे परचेज करने के लिए जाते हो तो इस AC की प्राइस जो है आपको 24,990 रुपये देखने को मिल जाती है। आपको किस तरह से परचेज करना है मैं आपको बता दूँ कि आपको जो भी प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, शायद आपको बगल स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको देख तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा, उसके बाद देखना है कि कौन सा बैंक ऑफर यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि इस सेल में आपको अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग बैंक देखने को मिल रहा है। तो आपके पास हो सकता है कि कोई जो भी कैटेगरी की प्रोडक्ट आप लेने की सोच रहे हो, जो प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हो उस पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए आपके बैंक पर, जो आपके पास बैंक कार्ड हो। तो यहाँ पे देख लेना है आपको किस पर डिस्काउंट मिल रहा है, किस बैंक के कार्ड के थ्रू। और यहाँ पे एक्सचेंज करके अगर पुराने AC के साथ में, तो आपको यहाँ पे 5,100 का यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है एक्स्ट्रा में। तो आपको इन सब का ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेने के बाद आपको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो इसको स्किप एंड कंटिन्यू, फिर यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह देख करके ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमें गूगल पे, फोन पे, इस तरह के जो भी हैं हम पेमेंट करेंगे ऑनलाइन तो डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे आप इस पर आते हो तो यहाँ पे 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अगर गूगल पे के थ्रू पेमेंट करते हो या फिर फोन पे के थ्रू पेमेंट करते हो तो 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरह से आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी यहाँ पे सिलेक्टेड बैंक कार्ड अगर अप्लाई करते हो तो आपको अच्छे लेवल का डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए मैं चलता हूँ बैग, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टी शर्ट वगैरह पर डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ टी शर्ट पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लोथ पर क्लिक किया फैशन की कैटेगरी में, तो यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, ये शर्ट है, टी शर्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया तो देख पा रहे हो इसकी प्राइस 399 रुपये है, जो ओल्ड प्राइस यहाँ पे 1499 रुपये देखने को मिल रही थी, जो अभी के टाइम पर ये बढ़ करके 73% ऑफ कर दिया गया है। तो आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। इस तरह की अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट पर अभी के टाइम पर डिस्काउंट हुआ है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट जरूर हुआ है। लेकिन आप बता दो, अगर आप लैपटॉप, स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो आप लोग वेट करिएगा नेक्स्ट सेल का, जो बिग सेविंग डे सेल के नाम से हो सकता है। मैं आपको अपडेट करूंगा, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।